हमें ये देखना पड़ेगा कि एक इंसान का कोड है इस जानवर का जिसने ये रेप्लिकेशन की। तो आइए एक हैंड चेक करते हैं, जैसे देखेंगे कि कैसे कैसे इसके रेप्लिकेशन गोरिल्लास ने खराब किए। शर्ट पजल फर्स्ट हैडिंग है हमारे पास, शर्ट पजल। शर्ट मीन जर्सी या टी शर्ट और पजल का मतलब होता है परेशानी। तो परेशानी का सबब बना ये टी शर्ट और शर्ट इस जंबो के लिए, इस गोरिल्लास के लिए, मतलब इस बदमाश के लिए। एक जंबो, आइए इस जंबो को मींस इस गोरिल्लास को लेते हैं। द बॉस मेक ऑफ द गोरिल्लास इन अ जू इन जर्सी। जर्सी इज अ नेम ऑफ सिटी ऑफ इंग्लैंड। ब्रिटिश में एक शहर है जिसका नाम जर्सी है, वहां एक जू है मतलब एक गार्डन है जहां पर इस गोरिल्लास को, इस बदमाश को रखा गया। तो कहा कि उसका जो बॉस हेड जो होता है इस जानवर का वो मेल होता है। घर में जो बॉस होती कौन, वो फीमेल होती ना, जो पूरे घर को चलाती है। मर्द होता है ना भाई, जज भी हो तो घर आकर ठंडे बढ़ जाते हैं, और इसी तरह पुलिस वाले भी हो तो वो भी ठंडे बढ़ जाते हैं। लेकिन जानवरों में जो बॉस होता है हेड, वो मेल होता है, ठीक है। व्हेन ही वाज अट्रैक्ट टू द साइड, अट्रैक्ट टू द साइड ऑफ हिज इंक्लोजर, इंक्लोजर के जाल पिंजरा राइट, जितना खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाय द शॉट ऑफ द पब्लिक एंड सॉ अ लिटिल बॉय लाइंग अनकॉन्शियस ऑन द ग्राउंड। इतने में जब बहुत सारे लोग इस जू पर रखा गया तो बहुत सारे लोग इसे देखने के लिए गए, तो ही वॉज अट्रैक्टेड टू द साइड बाय हिज इंक्लोजर। तो साइड में बहुत सारे लोग खड़े होकर उसे देख रहे थे, उस गोरिल्लास को। जैसे कि आप लोग कभी गार्डन गए होंगे, गए ना भाई या नहीं गए? अगर गए होंगे तो बाहर तो एक था बंदर, अंदर भी होगा, ऐसे भी होता कभी कभी। तो वो जो बंदर जो अंदर है ना भाई, उसको देखकर खुश होते, वाह ये वो। तो यहाँ पर एक जू था जिसके इंक्लोजर जो बनाया था, नीचे जो बेसिकली वो कंक्रीट ब्लॉक का बना था, ऊपर एक जाला था, जाल बना हुआ था। तो वहां से लोग देख रहे थे और खुश हो रहे थे। इतने में थोड़ी देर के बाद चीखने की आवाज आई, शॉट चीखना ऑफ द पब्लिक एंड सॉ लिटिल बॉय लाइंग अनकॉन्शियस ऑन द ग्राउंड। चीखने के बाद भी देखा गया कि एक बच्चा उस पिंजरे में गिर गया जहां पर वो किंग कॉन्ग था, मतलब वो बड़ा जंबो था। आई बिलीव, लिखने वाले ने कहा, मुझे ये पक्का यकीन था कि ही सॉ इमीडिएटली अ लाइकनेस टू हिज ओन ऑफस्प्रिंग। पक्का यकीन था कि ये बनमानस खा जाएगा। लेकिन मैंने आपको पहले कहा ये बनमानस जो होते हैं वो खाने वाले जानवर नहीं होते, लेकिन उसे यकीन था। लेकिन ही सॉ इमीडिएटली, लेकिन थोड़ी देर के बाद, लाइकनेस टू हिज ओन ऑफस्प्रिंग, उस गोरिल्लास ने, उस जानवर ने ऐसा बर्ताव किया जैसे कि जो बच्चा गिरा वो ऐसा महसूस करने लगा वो उसका बच्चा है। ऑफस्प्रिंग औलाद के लिए इस्तेमाल करते हैं ये लफ्ज, ऑफस्प्रिंग जो है औलाद के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर बच्चे के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसने रिएक्ट किया जैसे कि उसका बच्चा हो। द शेप एंड द साइज वर मच द सेम, बच्चे की जो मतलब साइज है और इवन शेप जो है वो उसके बच्चे की, बच्चे की तरह लग रहा था। तो उसने कहा फील किया उसने, उसका बच्चा है तो उसके नजदीक गया। जैसे नजदीक गया, इट डिस्कवर्ड द चाइल्ड हैड समथिंग ऑन इट्स बैक शर्ट। तो जैसे नजदीक गया तो उसने देखा उस बच्चे ने कुछ पहन रखा, वो है शर्ट, शर्ट पहन रखा। वो थोड़ा सा घबरा गया। द जंबो दैट वाज सडनली डिफरेंट एंड पजलिंग, ये देखकर बच्चे को देखकर तो उसने रिएक्ट किया, लेकिन उसके कपड़े को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया। तो गोरिल्ला जहां पर परेशानी का सबब बन गया उसके लिए। ही जेंटली टच द चाइल्ड स्किन विद हिज फिंगर, आराम से उसके इस स्किन को टच करता है, उसके चेहरे को टच करता है और उसकी स्मेल को सूंघने के लिए और अपने हाथ को यूं रखता है, नोज, एंड डिस्कवर दैट द स्मेल ऑफ द चाइल्ड वाज आल्सो स्वीट। तो उसकी स्मेल को जैसे एनहांस करता है तो स्मेल जिसकी बू होती है बच्चे की वो डिफरेंट होती है। तो जानवरों के जिस्म से डिफरेंट बू आती है और इंसान के जिस्म से भी आती है, ठीक है। अगर परफ्यूम लगा लिया तो खुशबू आ जाएगी, सही है भाई, नहा रहे हो जुम्मा आज। But neither of these things alarmed her. लेकिन दीगर जो चीजें थी वो उसको खबरदार कर रही थी, जैसे कि कपड़े हो, स्मेल हो, शेर, वो देख के थोड़ा चौंक रहा था, खबरदार हो रहा था आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन जानवरों के जो सिक्स सेंस होते हैं, जो सूंघने का अमल होता है, वो थोड़ा डिफरेंट होता है, वो सूंघ कर चीजों को जज कर रहे थे। बाज ऐसे जानवर होते हैं जैसे शिकार के नजदीक हो तो उसको बू आ जाती है, तो वो वहां से फरार हो जाते हैं। बाज लोगों के सिक्स सेंस बड़े तेज काम करते हैं, उसको लगता है कि कोई यहाँ पर खतरा है तो वहां भाग भागना फरार हो जाता है। When the boys came round and they began to cry, जब उसके नजदीक हुआ तो उसके इर्द गिर्द वो जानवर घूमता रहा, लेकिन इतने में बच्चा चीखने लगा, चीख पुकार करने लगा, जैसे जिगर जंबो डिड नो मोर देन द मूव अवे। टाइम लगाया नहीं, वो बच्चे की चीख को पुकार से जानवर वहां से भाग जाता है।
taking his family with him. ठीक है, वो वहां से भागता है, taking his family with him. तो दरअसल वो अपने साथ बच्चे को ले जाए. तो ये भी हो सकता था कि आपने देखा होगा कि इंडिया में कैसा हुआ था कि एक शेर के पिंजरे में ना एक बच्चा एक्शन गिर गया था, तो उसको बचाना बड़ा मुश्किल हो गया था. तो शेर ने उसको पकड़ा और पकड़ के अंदर अपने तहखाने में डाला और उसे चीर फाड़ कर जैसे खा ले. तो अगर ये जानवर वैसे ही होता तो सोचो क्या करता, उसको पकड़ता और पकड़ गया लेकर चला गया और उसकी चीर फाड़ कर. लेकिन जंबो ने ऐसा नहीं किया. तो वहां का जंबो डिड नो मोर देन टू मूव अवे. वो वहां से भाग लगाया कि वहां से निकल गया, फिर टेकिंग हिज फैमिली विद हिम. उसने उसको वहां उठाया और उस फैमिली को दे दिया. अगर ये मैं फिजिकल ब्रदर है तो मैं आपको पिक्चर जरूर दिखाता कि अब्बा क्या कर रहे थे, उसकी माँ क्या कर रही थी, कैसे वो हिल रहा था, कैसे उसकी माँ उसको गोद में उठाती है. अभी मुझे पेज नंबर याद नहीं है, अगर पेज नंबर याद होगा तो अगर मैं जब टाइटल लाइन उठाऊ तो उसके दो पेज के बाद एक सीन बना हुआ है. तो फर्स्ट टू थ्री फोर फाइव, फाइव में देखना वो गिर जाता है. क्यों? मामा ने कोई इच्छा बॉयफ्रेंड को इशारा करी थी ऐसी कुछ, देखते हुए उधर लगी बच्चा गिर गया था, ऐसा था बेसिकली. तो सीन होता तो बड़ा और मजा आता. खैर ये तो पहले हेडिंग का जो परेशानी का सबब बना सके. ट्रिब्यूट स्किल्स, ट्रिब्यूट के लिए खरारत तहसीन पेश करना और स्किल का मतलब महारत. जैसे कि हम कभी कभी आपकी महारत का बहुत सल्यूट करते हैं, जैसे कि बहुत काबिल लोग हैं आप, लेकिन इसी तरह जानवर भी काबिल तरीन है. तो देखो आए क्या कैसे करते हैं और देखते हैं इसके बारे में. ट्रिब्यूट स्किल, 40 years ago, 40 साल पुरानी की पुरानी कहानी. मतलब आप तो अभी तय हो और आपके बाबा अज्जाज से पुरानी कहानी आयु सुनते हैं. A boy fell into a gorilla catch. एक लड़का जो है, मतलब वही बच्चे की कहानी दोबारा बता रहे हैं, का वो गोरिल्ला के इस पिंजरे में गिर गया. कैच का मतलब पिंजरा. Would not, मतलब बचे गए नहीं, ये सबको पता है. I believe, मुझे भी ये यकीन था. Have been treated in that way. लेकिन हमें ऐसा लग रहा था कि उसका ट्रीट जो है इस तरह से होगा, ये हमने कभी सोचा नहीं था. ये 40 साल पुरानी कहानी है. उसके बाद 90s में एक फिल्म बनी है किंग कॉन्ग के नाम से. फिर 20th century पे का एक और फिल्म बनी है किंग कॉन्ग पार्ट 2 के नाम से. फिर 21st century पे का एक फिल्म और बनी है किंग कॉन्ग पार्ट 3 के नाम पर. इन तीनों में पहले वाले में क्या था, गोरिल्लास को बहुत ही खतरनाक दिखाया गया, अगेंस्ट ह्यूमन बीइंग, इंसान के बिल्कुल खिलाफ. दूसरे में इंसान को क्रूर दिखाया, तीसरे में बिल्कुल क्रूर दिखाया. इवन जू पीपल, हत्ता के जो उसके केयर टेकर थे, इस किंग कॉन्ग की जो देखभाल कर रहे थे, उनको भी ये यकीन था कि ये बच्चा मारा जाए. हु शुड हैव नोन बेटर, क्योंकि वो उसके देखभाल करने वाले थे और इवन को खाना पीना देना उस गोरिल्लास का इनका ही काम था, वो बेहतर जानते थे. बिलीव दैट द गोरिल्लास वर केप्ट बिहाइंड बार्ड सॉलिटरी कंफाइनमेंट इन द कंक्रीट सेल विद नथिंग टू डू. यकीन मानो कि गोरिल्लास को ऐसी जगह पर रखा गया पीछे बिल्कुल सूखे और तन्हा रखा गया, सॉलिटरी मतलब तन्हा, कंफाइनमेंट इन कंक्रीट मतलब ब्लॉक के जाल बनाए गए, मतलब एक पूरे चारों तरफ दीवार बनाया गया. With nothing to do, ताकि वो कुछ कर ना पाए. In fact, the हकीकत में तुम्हें एक और बात बताऊं, they were turned into a neurotic. कभी-कभी ऐसा होता है कि वो बिल्कुल neurotic पागलपन, neurotic कहते हैं नशा, होश खो गया था, कि बिल्कुल neurotic हो जाता है, मतलब unconscious हो जाता है, मतलब वो अपने होश खो बैठता है. ये जानवर ये लिखा है उन्होंने, ठीक है. Who almost suddenly were dangerous, अचानक से वो बिल्कुल खतरनाक हो जाता है किसी के लिए. और जानवर बहुत ही खतरनाक होते हैं. अगर देखो गाय इतने शरीफ जानवर है, लेकिन अगर थोड़ा सा उसको छेड़छाड़ करो तो वो इंसान को उठाकर फेंक देते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर उसको कुर्बानी में मारो तो बाज लोगों की अमवाते भी हुई है इस कुर्बानी के दिन. तो ये नहीं कह सकते कि जानवर ये शरीफ है, खाने की बात तो है नहीं, ये खतरनाक हो जाते हैं. लेकिन बाज किताबों में इसके बारे में लिखा है ये जान लेने वाले जानवर, नहीं जान लेने वाले जानवर नहीं है, ये फैमिली में एडजस्ट होने वाले जानवर. लेकिन खैर देखो इसके बारे में. और ओकेशन मतलब ऐसा हुआ, दे इवन अटैक देयर कीपर, जो देखभाल करने वाला शख्स था जूगा, तो उस पर हमला कर गया. हमला क्यों करा भाई, ये तो उसको खाने. देखो जानवर भी ना बड़े वफादार होते हैं. अगर जो रोज खाना दे रहा है, रोज की देखभाल कर रहा है, रोज की केयर कर रहा है, तो जानवर ना कम से कम वफादार होते हैं, उसको मारते नहीं. लेकिन यहाँ ऐसा क्या हुआ कि खाने देने वाला कीपर, मतलब देखभाल करने वाला, उसने हमला कर दिया. हु कैन ब्लेम देम, और उसने ये तोहमत लगाया इस जानवर के बारे में कि ये डेंजरस है, बहुत खतरनाक. क्यों कहा ऐसा, आइए देखते हैं इस कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते, फिर हम देखते हैं आगे. उसने ये ब्लेम किया, जंबो डिड नॉट बिहेव लाइक दैट. लंबो जंबो का मतलब गोरिल्लास का ये एटीट्यूड नहीं था कि वो ऐसा करता है, लेकिन उसने ब्लेम किया है, ऐसा क्लेम किया. भी राइडर
दैट इज नॉट ओनली अ इंडिकेशन ऑफ हिज ट्रू नेचर एज अ गोरिल्ला, लेकिन ये इसका ट्रू नेचर नहीं है, मतलब ये बजाय खतर, जैसे कि इंसान जो है ना, इंसान की जो फितरत है ना वो इंसानियत वाली, मोहब्बत वाली, लेकिन बाद इंसान जो टारगेट किलिंग कर देते हैं, मार देते हैं, जान से मार देते हैं, बच्चों को मार देते हैं, अपनी पूरी फैमिली को मार देते हैं, सब कुछ करते हैं, क्या मतलब इंसान खतरनाक तो है ना, क्योंकि जान जान लेने वाला तो नहीं, लेकिन ले लेता है कोई किसी ना किसी इंसिडेंट पर जाकर, तो इंसान के लिए इंसान ही बड़ा खतरनाक है। बाय नेचर कैसे होते हैं इंसान, इंसान के बारे में अल्लाह ने कहा इंसान को इंसान के लिए बनाया गया, इंसानियत होनी चाहिए उसके अंदर, इसीलिए जानवर है ना कोई जल्दी पर तो होगा उनके अंदर, तो खतरनाक तो है जानवर, मैं आपसे कह रहा हूँ वो खतरनाक होते हैं, लेकिन बाज जानवरों के नेचर ऐसे होते बड़े शरीफ होते हैं, लेकिन ओवर रिएक्ट करोगे तब जब उसके साथ आप छेड़ोगे तो भाई वो तो आप पर, जैसे कि मुर्गी ले लो ना मुर्गी, अगर मुर्गी के बच्चे को छेड़ने की कोशिश करोगे ना तो मुर्गी खुद भी आपको पंजा मारेगी, बजाय जान लेने वाले नहीं, डेंजरस है। खैर कौवे के एग्जाम्पल ले लो, कौवे के बच्चे को मारोगे तो वो तुम्हारे गंजे करने के मार पाए, सही। तो इस तरह से बताएंगे बजाय इसके ट्रू नेचर नहीं, जैसे लोग बता रहे हैं, इट इज ऑल्सो ट्रिब्यूट टू स्किल, बताया कि रिस्पेक्ट ऑनर देते हैं उसके सलाहियत पर, लोग लिखने वाले कहते हैं कि ट्रिब्यूट उसके स्किल पर, महारत पर, एंड अंडरस्टैंडिंग विद द जस्टिस ड्यू, लुक आफ्टर हिज गोरिल्लास, तो उसके देखभाल करने वाले, जो उसके ख्याल रखने वाले, उसके खाने पीने का, तो क्या हुआ उसको क्लेम करने लगे, तो हुआ ऐसा, एंड हैज गिवन देम एज फार पॉसिबल ऑल दे नीड टू ग्रो इनटू अ कनेक्टेड एंड ऑल वेल एडजस्टेड फैमिली। तो बताया कि भाई ऐसा हो गया था कि वो उस पर अटैक किया, अटैक कब किया था, जब वो जख्मी हाल रहा था, जिसका जख्मी था उसके पाँव, तो जब वो खाना लेना तो जख्मी हाल रहा उसको उस बंदे को मार दिया था, तो बंदे को जब मारा गया तो झुक के जो कीपर हुआ उसने मिले क्या नहीं मारने वाले, बजाय नहीं ऐसा नहीं क्लेम किया था, लेकिन जब उसकी बच्चा गिरा उससे काफी साल बाद, तो बच्चों को नहीं खाया, तो पता चल गया कि क्या हुआ उसके बाद, लुक आफ्टर द गोरिल्लास, देखभाल करने वाला, एंड हैज गिवन देम, उसने ये कहा एज फार एज पॉसिबल, जिस तरह मुमकिन हो, all they need to grow into a connected and well adjusted family, ke wo janwar hote hain jo ek dusre par adjust karne wale, family banane wale, family ka rehne wale janwar hote hain, aur kuch theek hai, aaj ke jo lecture hai yahan par mukammal karte hain, ye lecture number 1 hai, aur mazid hum lecture inshaallah kal hum deliver karenge aapko, kal aap se baat karenge, aur mazid tafseelat ki form ke bare mein, mazid ko pareshani ho to apne admin aur management ko bata sakte ho, kisi bhi hal ke koi bhi cheez ho to pareshani ho kisi subject ke lihaz se, के लिए आपसे तो आप मुझे बता सकते हो, लेकिन अब टाइमिंग क्लास में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप लोडेड है, आपके पास लेक्चर है, तो इंशाल्लाह आप कवर अप हो जाएंगे, ठीक है, और कोई असाइनमेंट हो, कोई होमवर्क हो, पास पेपर हो, उसके हेल्प के लिए आप अपने एडमिट को, हमारे एडमिट को कहेंगे, वो टीचर के साथ कॉर्डिनेट कर लेंगे, ठीक है, बहुत सारा।